गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड्स एजुकेशन हब पर। आज हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 11 की हम बात करेंगे, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। गाइस, पिछले कुछ टाइम के अंदर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आया, उसके लिए सॉरी। और आज मैं अपनी 12th क्लास की वीडियो भी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप में से किसी का भी बहन भाई अगर 12th स्टैंडर्ड में है और वो चाहते हैं कि वो अपनी 12th के अंदर अच्छे स्कोर करें फिजिक्स के अंदर, तो मेरी इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। मेरे सेल्फ नोट्स हैं, उनकी PDF आपको उन्हीं वीडियो के डाउन डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी, साथ में केमिस्ट्री का लिंक भी आपको उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड आता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। भाई, टेम्परेचर क्या होता है कि ये मेज़र होता है किसका, इंडिकेशन करता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, ये जो बताता है उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। अगला हमारा जो वर्ड आता है वो होता है हीट। हीट क्या होता है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू और मोर सिस्टम और ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिस्टेंस। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। भाई, ऐसी एनर्जी जो दो टेम्परेचर, दो बॉडी है जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, उनके बीच में जो एनर्जी फ्लो होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ऐसा यूनिट हीट की क्या होती है, जूल होती है, वाइल ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, कैलविन होती है। हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है और टेम्परेचर की क्या होती है, कैलविन होती है। गड़बड़ मत कर देना, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस मत ले लेना, टेम्परेचर की डिग्री जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो कैलविन होती है, और डिग्री सेल्सियस एक इसकी कॉमनली यूज यूनिट है जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि द आइस एंड स्टीम पॉइंट हैव वैल्यूज 32 डिग्री फारेनहाइट एंड 212 डिग्री फारेनहाइट। भाई, जो आइस पॉइंट है जिसे हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं वो किसके बराबर होता है फारेनहाइट में, 32 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। और जिसे हम स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कहते हैं वो किसके बराबर होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट के बराबर होते हैं। ये लिखा गया है फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, 180 इंटरवल्स होते हैं फारेनहाइट स्केल पर, जो 100 डिग्री सेल्सियस इंटरवल के बराबर होते हैं। अगर फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो कैसे जाएंगे, फारेनहाइट माइनस 32 बाय 180 इज इक्वल टू TC बाय 100। अगर इसे आप कट करके बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फारेनहाइट TF माइनस 32 बाय में 9 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस बाय में 5। अब ये भी इसकी दूसरी फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। व्हेन टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए गैस आर रिलेटेड एज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई, बॉयल्स लॉ क्या था, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, बॉयल्स लॉ क्या था अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, उसे क्या कहा गया है, बॉयल्स लॉ कहा गया है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसे ही क्या कहा गया है, चार्ल्स लॉ कहा गया है। वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उसे क्या कहा गया है, चार्ल्स लॉ कहा गया है। लो डेंसिटी गैस ओबे करती हैं किसको, चार्ल्स लॉ को। जो लो डेंसिटी गैसेज होती हैं वो किसको ओबे करती हैं, चार्ल्स लॉ को ओबे करती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इजिकल टू NRT। ठीक है, आप यह कह सकते हैं PV इजिकल टू μRT, या फिर PV यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, T यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, और R यहाँ पर एक क्या है, कांस्टेंट है। R यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स किलोग्राम इनवर्स। इसकी कई बार आपसे डायमेंशन पूछ ले, इसके आपसे यूनिट पूछ लेते हैं, वो ध्यान रखेंगे, ये 8.31 जूल मोल इनवर्स किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, और म्यू यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, म्यू यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, जिसे निकालने का मेथड होता है मोलिकुलर वेट बाय, सॉरी, जिसे निकालने का मेथड होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे कि इसे निकालने का मेथड क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, इसे निकालने का आपका मेथड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। इट लुक्स एज दो द प्रेशर माइट रीच जीरो विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर इफ द गैस कंटिन्यू टू बी की गैस। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, भाई ध्यान रखेंगे जो एब्सोल्यूट जीरो होता है उसे किस पे बोलते हैं, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर एब्सोल्यूट जीरो होता है, जिसे आप जीरो डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, अगर किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो वह एक्सपेंड करेगा ही करेगा। द इंक्रीज इन द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अगर किसी चीज़ के डायमेंशन में बदलाव आ जाना, मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट, कुछ भी बदल जाना, किसकी वजह से, उसके टेम्परेचर इंक्रीज करने से, क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन कहता है। अगर वो एक्सपेंशन
अगर वो एक्सपेंशन लेंथ में होगा तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। अगर वो एक्सपेंशन एरिया में होगा तो वो क्या कहलाएगा, एरिया एक्सपेंशन कहलाएगा। अगर वो एक्सपेंशन वॉल्यूम में होगा तो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाएगा। थर्मल एक्सपेंशन निकालने के लिए डेल एल का फॉर्मूला होता है ए डेल टी। ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थर्मल कॉन्स्टेंट है या एक्सपेंशन कॉन्स्टेंट है। एरिया में क्या होगा, डेल ए बाई टू अल्फ़ा डेल टी, और वॉल्यूम में क्या होगा, डेल वी बाई वी थ्री अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ए क्या है, कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ए वन क्या है, यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट इसकी वैल्यू वहाँ पर आपको दी जाती है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए वी अगर आप कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को निकालना चाहेंगे तो ए वी किसके बराबर होता है, डेल वी बाई वी बाई वन बाई डेल टी। ए वी निकालना है तो डेल वी बाई वी वन बाई डेल टी होता है। ए वी बिकम्स कॉन्स्टेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर। ए वी कब कॉन्स्टेंट हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर। सीधा पूछ लिया जाता है कि जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम है वो किस पर कांस्टेंट हो सकता है, वो जो कांस्टेंट है वो किस पर कांस्टेंट हो सकता है, सिर्फ हाई टेम्परेचर पर क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। वाटर क्या करता है, हीट करने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जीरो और चार डिग्री के बीच में। द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज एज इट इज़ कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर अंटिल द टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस। भाई अगर आप पानी को क्या करोगे, ठंडा करने लगोगे, तो जब तक 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं चला जाता उसकी वॉल्यूम क्या करेगी, कम होती चली जाएगी। बट जब चार्ज बिलो द 4 डिग्री, देखो भाई कंडीशन क्या है, पानी को हमने क्या किया, हमने ठंडा करना स्टार्ट किया। मान लो रूम टेम्परेचर कितने पे था, 25 डिग्री सेल्सियस पे था। कितने पर था, 25 डिग्री सेल्सियस पे था। तो हमने उसे ठंडा करना शुरू किया और 4 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए। जब तक यहाँ तक जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था, उसकी वॉल्यूम क्या करती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। जब आप 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इसकी वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, और दिस मीन्स डेट वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये बात आप ध्यान रखिए। लिक्विड के लिए जो कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, लिक्विड के लिए जो कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का, लिक्विड के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशेंट होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। हाउएवर गैस के लिए क्या करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई वी इजिकल टू डेल टी बाई टी। यहाँ से ए वी कितना आ गया, 1/T फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और जो ये होता है, ये अल्फ़ा ए वी जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम कोफिशेंट जो होता है वो डिक्रीज़ करता है किसके साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया था, जो वॉल्यूम होता है वो लीनियर के क्या होता है, 3 गुना होता है। जो वॉल्यूम कोफिशेंट होता है वो लीनियर के 3 गुना होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर ऐसा चीज़ कुछ ज़्यादा तो नहीं था, हमारे जो जो मेन मेन पॉइंट उन पर ध्यान देखेंगे। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, बस स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म ए गिवन सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स मास, द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा एंड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। भाई जो क्वांटिटी, भाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, यहाँ पर पहले ये समझते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन ए गिवन हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय क्वांटिटी कॉल्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। वी डिफाइन हीट कैपेसिटी एज ऑफ द सब्सटेंस। भाई हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट की यहाँ पर बात की जा रही है। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच डिटरमाइंस द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस व्हेन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। पहले इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, स्पेसिफिक हीट क्या इम्प्लाइज करती है, इट इम्प्लाइज दैट एवरी सब्सटेंस हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और गिवन ऑफ टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। भाई एक यूनिट मास का, एक यूनिट डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट उसे दी जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा रहे तेरे और के कई बाल काम है, देश काट दे बिना पीपीटी रखे आज काटते हैं। अरे इसकी शेड नाम तो रुक गया, वो काले
थंबनेल बनाना है। इसका बना रखा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्रिएट कर ले फिर उधर प्राणा क्रिएट कर ले। चुप रही हो रहे, दोबारा स्टार्ट करो। हाँ तो गाइस, हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट की, तो एक यूनिट मास का एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट उसे दी जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या करती है, रिक्वायर्ड टू वॉर्म, ये किस किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन ए गिवन हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड इज कॉल्ड क्या कहलाती है, उसके जो टेम्परेचर में चेंज आता है वो क्या कहलाता है भाई, हीट कैपेसिटी कहलाता है। और हीट कैपेसिटी को आप कैसे निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। यहाँ पर एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है, सॉरी हीट कैपेसिटी है, एस यहाँ पर क्या है, हीट कैपेसिटी है, डेल क्यू आपका क्या है, गिवन हीट है या चेंज इन हीट है, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो सी निकालना है। यहाँ पर देखेंगे, इट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब और गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस टू चेंज इज टेम्परेचर बाय यूनिट मास, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। सी किसके बराबर होता है, एस बाय म्यू, वन बाय म्यू तो है ही, एस की वैल्यू हमने रखी डेल क्यू बाय डेल टी। सी यहाँ पर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, जो सी यहाँ पर क्या है, वहाँ क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होते हैं, जिसका मतलब है कि एक मोल कुछ बदला नहीं है, कि एक मोल गैस का जिसका एक यूनिट मास है और जिसके टेम्परेचर को एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, एक मोल गैस के जिसका यूनिट मास है उसके टेम्परेचर को एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है वो क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। और अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पर होगी तो सीपी से कही जाएगी, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी तो क्या कहलाएगी, सीपी, मतलब मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के नाम से जानी जाती हैं। आप आगे देखेंगे कैलोरीमीटर क्या होता है। कैलोरीमीटर क्या होता है, ए डिवाइस इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी डन इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हीट मेजरमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट की बात की जाए, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर किसी चीज़ ने सॉलिड से लिक्विड में बदल दिया जाए तो मेल्टिंग कहलाता है, और लिक्विड से सॉलिड में बदला जाए तो फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। भाई जब सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, किन के बीच में, सॉलिड और लिक्विड स्टेटस के बीच में। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। भाई ऐसे पॉइंट पर दोनों सब्सटेंस थर्मल इक्विलिब्रियम में हों उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर ये मेल्टिंग पॉइंट होगा, एसटीपी क्या होता है मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देख लेंगे, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ फ्रीजिंग रेफ्रीजिंग, भाई किसी चीज़ को ठंडा करने का फिनोमिना क्या कहता है, रेग्रिजरेशन कहलाता है। ऐसे ही अगर क्या किया जाए, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर में बदला जाएगा तो क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन कहलाएगा। और एक ऐसे स्टेट लिक्विड और जब गैस में बदल रहा है तो उनके बीच में जब थर्मल इक्विलिब्रियम सेट होता है जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर, उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द फ्यूजन कर्व, द वेपराइजेशन कर्व एंड द सब्लिमेशन कर्व मीट, ऑल द थ्री फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फ्यूजन कर्व भी हो, वेपराइजेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व, तीनों के ग्राफ जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। कैसे, देखो भाई, आइस को अगर आप पिघलाने लगो तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो गैसेस स्टेज में भी होगी, ठीक है, और जब वो क्या होगी, लिक्विड स्टेट में भी होगी और सॉलिड स्टेट में भी होगी, मतलब थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जिस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करें उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एट हाई एल्टीट्यूड, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या करता है, घट जाता है सी लेवल की बजाय। और जब आप ऑन द अदर हैंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज इनसाइड ए प्रेशर कुकर, जब प्रेशर कुकर के अंदर आप किसी भी चीज़ को डाल देते हैं तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज। भाई पानी ज़्यादा पे गर्म होगा तो उसे हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो पानी गर्म होने से पहले सब्जियाँ क्या कर चुकी होंगी, गल चुकी होंगी, हैंस कुकिंग इज फास्टर, इसलिए कुकिंग क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। और हिल्स पर इसलिए सॉल्ट डाला जाता है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है,
द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सॉलिड से वेपर में या डायरेक्ट वेपर से सॉलिड में चेंज को आप क्या कहलाते हैं, सब्लिमेशन कहलाते हैं। ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। लेटेंट हीट क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर हिडन हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल किलोग्राम, क्या होती है, जूल किलोग्राम होती है। ये किससे डिनोट की जाती है, एल इजिकल टू क्यू बाई एम, एल इजिकल टू क्यू बाई एम, क्यू यहाँ पर क्या है हीट और एम यहाँ पर क्या है मास है। द लेटेंट हीट फॉर ए सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, भाई सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने स्टेट में चेंज होने के समय जो उसके अंदर लेटेंट होती है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वैसे ही लिक्विड जब गैस में चेंज होता है उसके अंदर जो हीट होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, भाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो पानी गर्म पानी से भाप ज़्यादा क्या करती हैं, तकलीफ देती हैं या फिर डैमेज करती हैं, क्योंकि भाप के अंदर एक और हीट छुपी होती है, वो कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, आप ध्यान रखेंगे। फॉर वाटर द लेटेंट, ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखेंगे, फ्यूजन की कितनी है 3.3 × 10⁵ है और वेपराइजेशन की कितनी है 22.6 × 10⁵ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, आपको डायरेक्ट ये बात याद रखनी है। कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर के तीन मेथड होते हैं, पहला मेथड होता है कंडक्शन, कंडक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, वही पतीले को आपने क्या किया गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, पतीले के अंदर पानी रखा और उसे गर्म करना स्टार्ट किया, अब पानी का टेम्परेचर जो नीचे आपने हीट देना स्टार्ट कर रखी है उसका टेम्परेचर से क्या है कम है, इसलिए जो नीचे हीट है उसकी तरफ से पानी के दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का मूवमेंट होगा और धीरे धीरे दूसरे का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा पहले के बराबर होने लग जाएगा। इस मेथड को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इसके भी अंदर दोनों, या आप 12th क्लास का जब चार्जिंग के मेथड कराऊंगा उस PDF के अंदर ये सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेगी कि इस मेथड में क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। एच इज प्रोपोर्शनल टू द एच, यहाँ पर एच हीट ट्रांसफर जो है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ध्यान रखेंगे हीट जो ट्रांसफर होता है वो किसके डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट टेम्परेचर डिफरेंस के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो एच किसके बराबर आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा के ए टी सी माइनस टी डी बाई एल, द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, के क्या कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट होती है जूल, सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स और कैल्विन इनवर्स, या फिर वॉट मीटर इनवर्स और कैल्विन इनवर्स, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं गाइस, कॉन्विक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, भाई मैटर के एक्चुअल मोशन की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, इट इज़ ओनली पॉसिबल इन फ्लूड्स, ये सिर्फ फ्लूड्स के अंदर पॉसिबल है। क्या होता है भाई, देखो अगर आप किसी सब्सटेंस को गर्म करते हो, भाई मान लो पानी को गर्म करते हो, तो नीचे जो पानी के अंदर जो नीचे वाली भाप है, सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा तो वो वेपर क्या करेंगे ऊपर उठने लगेंगे, ऊपर उठेंगे तो ऊपर वाले पदार्थों को क्या देंगे हीट करना स्टार्ट करेंगे, फिर वो क्या करेंगे वो और ऊपर उठेंगे, तो धीरे धीरे करके जो नीचे की सतह से आपने वेपर बनाए थे वो क्या करते जाते हैं एक स्टेज पर ऊपर चढ़ते जाते हैं और क्या करते हैं हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, कॉन्विक्शन कहा जाता है, ठीक है। ट्रेड विंड वगैरह जो भी क्रिएट होते हैं दिन में हवा का चलना, ये सारी जो मेथड्स हैं किसकी वजह से होते हैं, कन्विक्शन की वजह से होते हैं। रेडिएशन एक ऐसा मेथड होता है, द थर्ड मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर नीड्स नो मीडियम, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसे रेडिएशन कहा जाता है। जैसे सनलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ये रेडिएंट एनर्जी हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जैसे सनलाइट से सीधी सी एनर्जी किसके ऊपर आती है किसी भी बॉडी के ऊपर आती है, ठीक है। सनलाइट से जो हीट एनर्जी हमारे पास आती है वो किस मेथड के द्वारा आती है, रेडिएशन मेथड के द्वारा आती है। हम इसीलिए सर्दियों के अंदर क्या करते हैं व्हाइट क्लॉथ, गर्मियों के अंदर व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि ये बैड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के और हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हम ठंडा फील करते हैं। और गर्मियों में सर्दियों में हम काले कपड़े पहनते हैं क्योंकि काले कपड़े बेस्ट एब्जॉर्बर होते हैं हीट के और वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें इतना गर्म फील अच्छा क्या होता है हॉट फील रहती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, भाई ब्लैक बॉडी, पहली बात तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी एब्जॉर्बेटिव पावर मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की और एमिस करने की पावर बिल्कुल क्या होती है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर होती है, और जिसका एब्जॉर्बिंग पावर मतलब जितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उतनी ही रेडिएशन को छोड़ने की उसकी कैपेबिलिटी भी होती है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन लैम्डा, भाई वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है लैम्डा वेवलेंथ और टेम्परेचर की जो प्रोडक्ट होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, किस साइंटिस्ट ने बताया था, ये साइंटिस्ट बताने वाले थे वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, और वेंस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। ध्यान रखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व यूनिवर्सल होता है,
ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ना कि साइज शेप वगैरह किसी पर डिपेंड नहीं करता। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक ब्लैक बॉडी को परफेक्ट फॉर ए बॉडी विच इज़ अ परफेक्ट रेडिएशन, जो एक परफेक्ट रेडिएटर है उसकी एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम कितनी होती है, हीट एनर्जी बराबर होती है ए सिग्मा टी फोर, ठीक है। ए यहाँ पर एरिया है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, और सिग्मा एक कॉन्स्टेंट है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बोल्ट्जमैन स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर किलो केल्विन रेज टू पावर माइनस 4, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और परफेक्ट रेडिएटर के लिए एमिसिव पावर ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है ये बात आप ध्यान रखेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जो रेट है लॉस ऑफ हीट की, डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कौन क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं, ठीक है। दिस लॉ होल्ड गुड फॉर स्मॉल डिफरेंसेज ऑफ टेम्परेचर, यह किस पर अच्छे से काम करता है, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अच्छे से काम करता है। तो डी क्यू बाई डी टी कितना होता है, के टी टू माइनस टी वन, और के यहाँ पर क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव है, कि कॉन्स्टेंट है। लॉग टी टू माइनस टी वन कितना आ गया, माइनस के टी, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग किसको आप बताता है, ठीक है। ये गाइज आपकी समरी है, इसके अंदर सबसे पहले बताया गया हीट क्या होता है, हीट एक तरह की एनर्जी होती है, दो जो टेम्परेचर डिफरेंट बॉडी के बीच में मूव करती है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस क्या होते हैं, थर्मोमीटर होते हैं या कैलोरीमीटर होते हैं। सेल्सियस किसके बराबर होता है, टी एफ इजिकल टू 9/5 टी सी प्लस 32 होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इजिकल टू म्यू आर टी है, ठीक है। और टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, सेल्सियस के अंदर 273.15 आपको ऐड कर देना चाहिए। कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, लीनियर एक्सपेंशन क्या है, डेल एल बाई एल ए ए एल डेल टी है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है डेल वी बाई वी ए वी डेल टी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक यूनिट मास का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है। अगर वो एक मोल सब्सटेंस की हीट बताया जाए तो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट हो जाती है। लेटेंट हीट क्या होती है, एक हिडन हीट होती है। फ्यूजन की कब होती है, जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और वेपराइजेशन की कब होती है, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, तब उसके अंदर जो हीट हिडन हीट है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तीन मोड होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। और आपको पता है हीट ट्रांसफर किसके, टेम्परेचर डिफरेंस और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जो हीट रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है वो किसके बराबर होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कुछ वैल्यू हैं जिनके सिंबल, डायमेंशन और यूनिट आप याद रखेंगे, और किसी का अगर कोई वैल्यू दी गई है तो वो भी आप याद यहाँ पर रखेंगे। तो गाइज मैंने देखा कि मेरी लास्ट वीडियो को आपने ज़्यादा बच्चों ने देखा नहीं है, ये क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बच्चों ने ज़्यादा उस वीडियो को देखा नहीं है, प्लीज़ गाइज देखिए, आप सभी के लिए वीडियो बनाई गई है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 12th क्लास की वीडियो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप उनको भी जरूर देखेंगे, और साथ के साथ आप 11th क्लास की जो वीडियो है इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप करने की कोशिश कीजिए करो। अगर किसी में भी डाउट आता है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं अभी अभी आपको बता दूंगा, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है इनसाइट्स एजुकेशन हब, इनसाइट्स एजुकेशन हब के नाम से अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और वहाँ पर आप जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।